हेलो फ्रेंड्स, ये है हॉरर लव हिंदी और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक टॉर्चर हॉरर मूवी जिसका नाम है अमेरिकन मैरी 2। मूवी की शुरुआत में मूवी की मेन लीड मेरी को दिखाया गया था जो कि एक फेमस मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल स्टूडेंट थी। मेरी एक बहुत ही होशियार और हार्डवर्किंग स्टूडेंट थी और वो वीकेंड पर अपने घर पर भी टर्की और दूसरे जानवरों पर सर्जरी की प्रैक्टिस करती थी और वहाँ के प्रोफेसर को लगता था कि मेरी एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट है। और फिर एक दिन क्लास में मेरी का फ़ोन बज उठता है और मेरी अपने प्रोफेसर से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो कई बार अपनी क्लास में ही सो जाया करती थी, जिस पर प्रोफेसर उससे कहता है कि एक सर्जन के लिए सॉरी कहना बहुत महंगा पड़ सकता है। और मेरी बताती है कि वो कल देर रात तक अपने घर पर ही सर्जरी की प्रैक्टिस कर रही थी और इसीलिए उसे नींद आ गई। प्रोफेसर को ये लग रहा था कि वो बस बहाने बना रही थी और प्रोफेसर उसे पढ़ाई में मन लगाने को कहते हैं और मेरी भी उनसे ये कहती है कि ऐसी गलती दोबारा से नहीं होगी। अब मेरी को जो फ़ोन आया था वो उसकी नेटवर्क कंपनी के बिल के पेमेंट के लिए आया था क्योंकि मेरी ने अपने फ़ोन का बिल पे नहीं किया था। मेरी को पैसों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो सबके सामने ऐसे दिखा रही थी कि जैसे कि ये उसकी ग्रैंड माँ का कॉल है। और पैसों की कमी के चलते मेरी ये डिसाइड करती है कि वो एक नाइट क्लब में काम करेगी। वो तुरंत क्लब के मैनेजर को ईमेल करती है और जल्दी उसे रात में इंटरव्यू का कॉल भी आ गया था। जब मेरी उस क्लब में पहुंचती है तो ये देखती है कि ये क्लब एक स्ट्रिप क्लब है और वहाँ का बॉस बिली उसे एक रूम की ओर ले जाता है। मेरी उससे अपना रेज्यूमे दिखाती है लेकिन बिली उसका रेज्यूम साइड में रखकर उसकी हॉट बॉडी से ज़्यादा इम्प्रेस था। वो उसे अपने कपड़े उतारने को कहता है ताकि वो उसके हार्मोन लेवल को चेक कर सके। मेरी भी अपने कपड़े उतार कर अपनी बॉडी को उसे शो करती है और मेरी की बॉडी देखकर बिली खुश हो जाता है और उसकी बॉडी की स्मेल भी बहुत अच्छी थी। तभी पीछे से एक आदमी आकर बिली को यह कहता है कि उनका एक आदमी वापस आने के लिए तैयार नहीं है और वो मेरी को यहीं पर रुकने को कहकर जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल जाता है। फिर जब बिली वापस आता है तो उसके साथ में एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति था और वो उसे $5,000 का ऑफर देकर उसे उस घायल आदमी की सर्जरी करने को कहता है। लेकिन बिली की एक शर्त थी कि मेरी उसे इस बारे में एक भी सवाल जवाब नहीं करेगी। मेरी देखते कि उस आदमी के घाव बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं और वो बिना किसी अच्छे औजारों से उसके सर्जरी करके उसके घावों को बंद कर देती है। और सर्जरी खत्म करने के तुरंत बाद वो पैसे लेकर सीधा अपने घर चली गई थी और इतनी बड़ी सर्जरी उसने पहली बार की थी। मेरी बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी और वो अपने घर आकर बाथरूम में बहुत रोती है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है। मेरी इस इंसिडेंट से इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि वो सोते समय बेसबॉल बैट को अपने साथ में ही रखती है। फिर अगले सुबह मेरी को एक कॉल आता है जो कि उसे डॉक्टर कह रही थी। मेरी को लग रहा था कि वो लेडी उसी क्लब की है और इसीलिए वो डर के मारे फ़ोन को तुरंत काट देती है, जिसके बाद में मेरी के नंबर पर एक रेस्टोरेंट के बॉस का फ़ोन आता है जहाँ पर मेरी पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। वो कहता है कि उसका रेस्टोरेंट अब बंद हो चुका था, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि मेरी की वो जॉब भी चली गई है। मेरी अपने आप को पॉजिटिव रख रही थी और वो लगातार सर्जरी की प्रैक्टिस भी कर रही थी कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। मेरी दरवाज़ा खोलने के लिए आई थी लेकिन उसका पहना हुआ एप्रिन खून में लथपथ था, इसीलिए वो उसे चेंज करने के लिए किचन में गई हुई थी और इतने में कोई उसके पीछे से गुजरता है। मेरी जब वापस आती है तो देखते कि दरवाज़ा खुला हुआ है और मेरी के पीछे एक बड़ी अजीब सी दिखने वाली लेडी थी। ये लेडी मेरी को अपना नाम बीटरस बताती है और ये मेरी को $200 तुरंत देने को तैयार थी। बीटरस मेरी को ये बताती है कि उसने ऐसा दिखने के लिए अपने चेहरे की 14 सर्जरी कराई है और आज वो अपने फ्रेंड के लिए यहाँ पर आई है। वो ये चाहती है कि मेरी उसके फ्रेंड की एक स्पेशल सर्जरी करे। उसने कल रात को मेरी का रिज्यूमे उस क्लब में देखा जिससे उसे लगा कि मेरी ये काम कर सकती है। वो उसे इस काम के बदले $1,000 देने को तैयार है लेकिन मेरी इस काम को मना कर देती है और कहती है कि उसने कल रात जो कुछ भी किया वो अब उसे दोबारा नहीं दोहराएगी। बीटरस मेरी को जोर नहीं देती और कहती है कि अगर उसका मन बदले तो वो कल उसी सर्जरी को करे जिसके बदले में उसे $2,000 मिलेंगे। फिर अगले दिन मेरी ये सोचती है कि ये पैसा कमाने का एक आसान तरीका है और इसीलिए वो अगली शाम को वेटनरी क्लिनिक जा पहुँचती है जहाँ पर बीटरस उसका इंतज़ार कर रही थी। बीटरस मेरी को $12,000 देती है और उसे कहती है कि वो पेशेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। फिर मेरी एक रूम के अंदर एंटर होती है जहाँ पर वो देखती है कि बीटरस की फ्रेंड का चेहरा भी बड़ा अजीब था और उसने भी अपने चेहरे की कई सारी सर्जरीज करवा रखी थी। बीटरस की फ्रेंड एक ह्यूमन डॉल जैसा दिखना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके निप्पल्स निकाल दिए जाए और उसके प्राइवेट पार्ट्स की भी सर्जरी की जाए, जिसे सुनकर मेरी को विश्वास नहीं होता कि कोई अपने शरीर पर ऐसा कैसे करवा सकता है। मेरी बीटरस से पूछती है कि क्या उसकी फ्रेंड सच में ऐसा करवाना चाहती है, जिस पर बीटरस उसे हाँ कर देती है और फिर यह सुनने के बाद में मेरी सर्जरी के लिए रेडी होती है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि मेरी उस लेडी की सर्जरी करने में लगी हुई है
क्योंकि मेरी एक बहुत ही अच्छी सर्जन थी और इसीलिए कई घंटों तक ये सर्जरी चलने के बाद में ये सर्जरी बहुत ही अच्छी हुई थी। सर्जरी के बाद में मेरी वहाँ का कचरा बीटरेस को देकर उसे कहती है कि किसी को भी पता न चलना चाहिए कि उसने इस सर्जरी को किया है, जिसके बाद में मेरी जल्दी जल्दी अपना घर जाती है और घर जाते से उल्टी करती है क्योंकि उसने जो सर्जरी अभी अभी की है उससे उसे बड़ा सा शौक लगा था। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद में मेरी अपना घर बदलकर मेडिकल कॉलेज के ही कैंपस में शिफ्ट हो जाती है और जब वो एक दिन अपने घर की ओर जा रही थी तो उसे रास्ते में एक जानी पहचानी लेडी दिखती है और ये वही लेडी बीटरेस थी जो कि उसे उस सर्जरी के लिए थैंक्स बोलती है और वो मेरी को एक गिफ्ट भी देती है जिसे लेने के बाद में मेरी अपने काम पर चली जाती है, जहाँ पर उसका एक सीनियर उसे अपने घर पर एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है जो कि मेरी को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि पहले कोई भी मेरी को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। मेरी बीटरेस के द्वारा दी गई ड्रेस को पहनकर पार्टी में पहुँचती है जहाँ पर एक प्रोफेसर उसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था, जबकि उसने पहले कभी मेरी से इतने अच्छे से बात नहीं की। वो बातों बातों में मेरी को एक वाइन का ग्लास देता है जिसे मेरी बिना सोचा समझे पी जाती है। अपनी वाइन ख़त्म करते ही मेरी को चक्कर आने लगे थे और अब वो अपने होशो हवाज में नहीं थी। वो प्रोफेसर उसे नशे की हालत में ही एक रूम में ले जाता है जहाँ पर वो पहले उसका रेप करता है और वो रेप करते हुए उसका पूरा वीडियो ही बना लेता है। मेरी को फिर जब होश आता है तो देखती है कि वो प्रोफेसर के बेड में है और बिना कपड़ों के है। वो समझ चुकी थी कि उसके साथ में कुछ बहुत बुरा हो चुका है। मेरी बहुत ही ज़्यादा शौक में थी और वो तुरंत वहाँ से भागकर अपने घर पहुँचती है जहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद में मेरी बिल्ली के पास में पहुंचकर उसे उस प्रोफेसर को किडनैप करने के लिए हायर करती है। मेरी ये चाहती थी कि वो प्रोफेसर की बॉडी की बहुत ही दर्दनाक सर्जरी करे। बिल्ली उस प्रोफेसर को किडनैप कर लाया था और वो प्रोफेसर अब पूरी तरह से मेरी के कब्जे में था और वो डर के मारे कांप रहा था। मेरी प्रोफेसर की जीभ को दो हिस्सों में करती है और फिर उसके दांत को भी निकाल देती है, जिसके बाद में वो इस प्रोफेसर की 14 घंटों तक सर्जरी करती है जिसमें वो उसकी बॉडी को कई तरह से टॉर्चर करती है। अब हम ये देखते हैं कि मेरी एक अंडरग्राउंड सर्जन बन गई थी जहाँ पर बिली और उसके आदमी उसके लिए कस्टमर्स को हैंडल करते थे और मेरी इल्लीगल तरीके से सबकी सर्जरी करती थी। फिर एक दिन मेरी को एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि प्रोफेसर के गुम हो जाने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जिस पर मेरी कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और प्रोफेसर उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, जिसके बाद में ऑफिसर मेरी को अपना नंबर देकर चला जाता है ताकि अगर उसे कुछ भी पता लगे तो वो ऑफिसर को बता दे, लेकिन मेरी उस ऑफिसर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। फिर रात के समय मेरी क्लब में जाकर बीटरेस और बिली को मिलती है और बताती है कि ऑफिसर को शायद उस प्रोफेसर के कलीग से कुछ पता न लग जाए, जिसके बाद में बीटरेस अपनी स्ट्रिप परफॉर्मेंस खत्म करके मेरी के साथ बाहर आती है और उसे फिर से एक गिफ्ट देती है क्योंकि उसकी फ्रेंड की इस सर्जरी से वो इंटरनेट पर छाई हुई थी और दो ऐसे और लोग हैं जो अपनी सर्जरी करवाने के लिए मेरी को और ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। इस बार दो जुड़वा बहनें थीं जो कि अपनी एक बाजू को निकलवा कर अपने चेहरे को एक शैतान जैसा बनवाना चाहती थी। मेरी एक साथ दो लोगों की सर्जरी नहीं कर सकती थी और इसीलिए बिली उसके लिए एक असिस्टेंट ढूंढता है जिसके साथ मिलकर मेरी सक्सेसफुली उस सर्जरी को करती है। सर्जरी ख़त्म करने के बाद में मेरी को उस प्रोफेसर का ख्याल आता है जिसने उसने मारा नहीं था बल्कि एक रूम में बंद करके रखा हुआ था। मेरी अपने साथ में कैमरा लिए प्रोफेसर को चेक करने जाती है जहाँ पर हम प्रोफेसर को चेन से लटका हुआ देखते हैं। मेरी ने प्रोफेसर के दोनों पैर और दोनों हाथों को काटकर अलग कर दिया था, उसे अपनी चमड़ी से लटकाया गया था। मेरी उससे अपने द्वारा की गई सर्जरी दिखाती है और कहती है कि वो आज एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जन है। तभी अचानक वहाँ पर होता यह है कि एक सिक्योरिटी गार्ड मेरी पर आकर अटैक करके उसे गिरा देता है और वो प्रोफेसर को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी उसे ऐसा नहीं करने देती और उसे वहीं पर पीट पीट कर मार डालती है। इधर बिली प्रोफेसर की कलीग को पीट रहा था और तभी उसे मेरी का कॉल आता है, लेकिन वो उसे नहीं उठाता और अपने एक आदमी को मेरी से मिलने को कहता है और मेरी अभी भी उस प्रोफेसर और सिक्योरिटी गार्ड को ठिकाने लगाकर आई हुई थी। बिली का आदमी देखता है कि मेरी अपसेट है और वो उसे रिलैक्स करने के लिए उसे अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे कोई कुछ सालों पहले उसके घर में घुसा और उसने उसकी माँ पर अटैक कर दिया। उसने उसकी माँ का फ़ोन भी तोड़ दिया जिससे कि उसकी माँ 3 दिनों तक घर में ऐसी ही पड़ी रही। वो कहता है कि मेरी ने जो कुछ भी किया उसे उसके लिए गिल्टी नहीं होना चाहिए। और फिर अगले दिन मेरी को वो दोनों ट्विंस अपनी सर्जरी से खुश होकर मेरी को बहुत सारा पैसा देती है, जिसके बाद में रातों रात मेरी को अंडरग्राउंड वर्ल्ड में पॉपुलरिटी मिल गई थी और कई सारे लोग मेरी से अपनी बॉडी को चेंज करवाने के लिए आने लगे थे। फिर एक दिन वो ऑफिसर फिर से मेरी से मिलने आया था
और उसके आने से पहले ही मेरी सब कुछ छुपा देती है। मेरी को लग रहा था कि ऑफिसर को उस पर शक है और इसीलिए वो उसे पानी में ड्रग मिलाकर देती है। ऑफिसर मेरी को बताता है कि प्रोफेसर के पास से कुछ लड़कियों के रेप करते हुए वीडियोज़ मिले हैं, लेकिन उसमें मेरी का कोई भी वीडियो नहीं था और वो मेरी के पास इसलिए आया हुआ था ताकि उसे कुछ मदद की ज़रूरत हो तो वो कर सके। जिसे सुनने के बाद में मेरी तुरंत उस ड्रग वाले ग्लास को अच्छे पानी से बदल देती है। और फिर जब ऑफिसर वापस जाता है तो मेरी के फ़ोन पर कॉल आया था, जिससे उसे ये पता लगता है कि उसकी ग्रैंडमा मर चुकी है और उसके परिवार में अब कोई भी नहीं बचा है और ना ही उसका कोई फ्रेंड है। मेरी बस किसी को जानती थी तो वो था बिली। फिर मेरी बिली से मिलने क्लब में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि बिली किसी और लड़के के साथ में बिजी है। बिली तुरंत उस लड़की को भगाकर मेरी के पास आता है, जहाँ पर मेरी उससे पूछती है कि क्या उसी ने उसका वीडियो प्रोफेसर के पास से हटाया है, जिसके जवाब में बिली कुछ नहीं बोलता और मेरी को लग रहा था कि बिली उसे उस वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल करेगा। गुस्से में मेरी बाथरूम में जाकर एक लड़की को बहुत पीटती है, लेकिन वो उसे फिर जाने देती है। और रात के समय वो बिली से कहती है कि उसे अब शांति की ज़रूरत है। बिल्ली उसे अपने साथ में घूमने जाने को कहता है और मेरी उसे ये बोलकर जाती है कि वो उसे सोचकर जवाब देगी। मेरी जब घर पहुंचती है तो उसे बिट्रेस का कॉल आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड थी, और वो उसे बताती है कि उस पर उसके ही दोस्तों ने हमला किया है और शायद वो मेरी पर भी हमला कर सकते हैं। मेरी डर के मारे फ़ोन रखी रही थी कि तभी पीछे से कोई उसके पेट में चाकू घुसा देता है, लेकिन मेरी जैसे तैसे खुद को संभालती है और उस आदमी को जान से मार देती है। फिर मेरी घायल हालत में ही खुद को घसीटते हुए ऑपरेशन रूम में पहुंचकर खुद के घावों को टाके लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मेरी ने अपनी ज़िंदगी में कई सारी सर्जरीज की थी, लेकिन वो खुद की जान नहीं बचा पाती और अंत में मेरी की मौत हो जाती है। फिर जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो ऑफिसर देखता है कि मेरी वहाँ पर मरी पड़ी हुई है और उसे वहाँ पर प्रोफेसर की बॉडी भी मिलती है। ये पुलिस ऑफिसर ये सोचकर दुखी होता है कि वो मेरी की कोई मदद नहीं कर पाया, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।